सेंचुरी टेस्ट की तैयारी में जुटी टीम इंडिया। प्रैक्टिस सेशन में रहने पर ज्यादा फोकस, ईशांत ने भी जमकर प्रैक्टिस की। दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया ने पलटवार का जताया भरोसा। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कहा, टीम पिछली गलतियों से सबक लेकर सेंचुरियन में कमाल दिखाएगी। दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर दुनिया भर के दिग्गजों का सुझाव माना जारी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्राम स्मिथ ने कहा, केएल राहुल और रहाणे दक्षिण अफ्रीका की कंडीशंस के लिए बेहतर विकल्प। टेस्ट बल्लेबाज प्रवीण आमले ने टीम इंडिया के टीम सिलेक्शन पर उठाए सवाल, कहा टेस्ट बल्लेबाज की जगह वनडे बल्लेबाज को कैसे खिलाया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका में 1992 के दौरे पर हीरो थे आमले। स्वागत है आपका। आज सेंचुरियन पर टीम इंडिया का पहला प्रैक्टिस सेशन हुआ। टीम ने सेंचुरियन की पिच का मुआयना किया। इस पिच पर घास नहीं है, बेहद कठोर है, हार्ड पिच है, बॉल सीम के अलावा बॉल उछलेगी भी। सेंचुरियन की पिच उछाल वाली पिच है। दक्षिण अफ्रीका लेना चाहती है भारत का इम्तिहान, ये इतना साफ हो गया है इस पिच को देखने के बाद। इस पिच पर बाउंस ज्यादा होगा। पिछली वाली पिच जो थी उस पर आपने देखा था किस तरीके से पेस था, लेकिन इस बार इसमें बाउंस और पेस डेडली कॉम्बिनेशन। शनिवार से शुरू हो रहा है दूसरा टेस्ट मैच। आज टीम इंडिया ने पिच को परखा और परखने के बाद पेशानी पर कितने पसीने थे ये देखने वाली बात है। शनिवार से दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। पिच पर घास नहीं है लेकिन हार्ड पिच है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। हाँ, टीम इंडिया का पहला प्रैक्टिस सेशन, अभ्यास की तीव्रता में तीव्रता देखी गई। पांच बड़ी बातें हम आपको बता दें। प्रैक्टिस में आने पर फोकस ज्यादा था, सिलेक्शन में भी क्या फोकस उन्हीं पे होगा ये देखने वाली बात होगी। ईशान ने जमकर प्रैक्टिस की। उमेश यादव नदारद दिखे, अपने आप साफ दिखाई दे रहा है कौन पानी भर रहा है और कौन पिच पे गेंदबाजी कर रहा है। हम गलतियों को सबक लेकर करेंगे पलटवार, बुमराह का यह कहना है। हाफ वॉली खूब मारी थी पहली बार। प्लेइंग 11 को लेकर टीम इंडिया में मंथन जारी। रवि शास्त्री सोच रहे हैं, विराट कोहली समझ रहे हैं। और अब सीधे मदलाल जी हमारे साथ हैं। सर, पिच के ऊपर क्या कहेंगे आप? ये तो काफी जबरदस्त टेस्ट होने वाला है इनका। नहीं देखिए, मैं भी साउथ अफ्रीका में गया हूँ एज ए कोच। वहाँ क्या होता है कि ये जो विकेट हार्ड बहुत रहती है, पर घास बड़ा ऐसा लगता है कि बड़ा ब्राउनिश घास होता है, हरा घास नहीं होता जैसे आपने केप टाउन में देखा था जहाँ पे गेंद सीम काफी कर रहा था। पर उछाल जरूर होगा क्योंकि देखिए ये वैसे तो ये सारे फास्ट बॉलर हैं, ये तो कोई सीम बॉलर है ही नहीं इसमें, तो उछाल तो रहेगा रहेगा, गेंद तो देगा। अब देखना ये है कि जो इंडिया है वो क्या रणनीति बनाता है, क्योंकि ये टेस्ट मैच करो या मरो वाला काम है। यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको अपना टेम्परामेंट दिखाना पड़ेगा, इंटेंसिटी जो है आपको ये मैच जीतना ही जीतना है। इसमें कोई दो राय है रह ही नहीं गई, क्योंकि अगर आप ये मैच हारते हैं तो आप सीरीज आते हैं, उसके बाद आपकी वापसी होने का चांसेस बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि इंडियन टीम जैसे रेपुटेशन से गई है यहां पे, जैसे उन्होंने प्रदर्शन किया है, जैसे भी खेले वर्ल्ड के बेस्ट खिलाड़ी हैं हमारे पास, जैसे को इसमें कोई दो राय नहीं है। बट होता क्या है कि जब आप वहां जाते हैं, जब आप कंडीशन क्लाइमेटाइज नहीं होती, आपको मुश्किलें आती आती हैं। सर, अंग्रेजी में बड़ा पुरानी कहावत है, व्हाट हैपेंस इन वेगस लीव इट इन वेगस। यहां पर ऐसा लग रहा है कि व्हाट हैपेंस इन इंडिया लीव इट इन इंडिया, वहां पे नया खेल शुरू होगा। विराट कोहली और उनकी टीम को इस बात का एहसास है, इसलिए वो कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते कि हाँ अब करो या मरो की बात है। थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर जो कहते हैं ना, जो सबकॉन्टिनेंट के बाहर बाउंस के साथ अगर आप ऑफ स्टंप के बाहर खेलते रहे तो एज लगेगा, तो छोड़ना बहुत जरूरी होगा भारतीय बल्लेबाजों के लिए। मेंटल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मैं पांच गेंदबाजी खिलाऊंगा, अगर अजिंक्य रहाणे को खिलाना है तो रोहित शर्मा को
ड्रॉप करना पड़ेगा और फिर अजिंक्य रहाणे को वापस लानी पड़ेगी। जैसे हमने बात करी कि है कि तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, वो देखना पड़ेगा कितनी मदद मिलेगी। लैटरल मूवमेंट होगी तो फिर जो है वो साउथ अफ्रीका की बैटिंग भी बहुत वनरेबल है, और कहीं ना कहीं अगर सिमिलर विकेट जो है वो हमें केप टाउन की तरह मिली तो ये मैच इस तरफ भी जा सकता है, उस तरफ भी जा सकता है, और हमें वहाँ पे बैटिंग जो है बहुत सहज बूझ से करनी पड़ेगी। सर, बुमराह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बुमराह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े सीधे तौर पर एक बात कही कि हमने पहले मैच में गलतियां की, बुमराह खुद बहुत बड़े गुनहगार थे जो हाफ वॉलीज पे बॉल मार रहे थे, और लेकिन हमें ओवरडू नहीं करना चाहिए, हम कर रहे हैं ट्रेनिंग पहले टेस्ट मैच से, तो पहले इन्होंने पहले दिन कोई ट्रेनिंग नहीं की थी अगर बात की जाए, अब ट्रेनिंग दिखाई दे रही है। कितना फर्क लगता है आपको अप्रोच में दोनों टेस्ट मैचेस में टीम इंडिया के? नहीं दीदी, अप्रोच तो डिफरेंट होगी क्योंकि इंडियन टीम को भी मालूम है कि ये टेस्ट मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो जो गलतियाँ बिल्कुल सही कहा, ठीक है गलतियाँ जो की आपने, गलतियाँ दोहराने नहीं चाहिए, गलतियाँ अगर दोहरा दी तो आपने सीखा नहीं, फिर भी रिजल्ट फिर वही वही आएगा जो लास्ट मैच में आया। सबसे बड़ी गलती क्या हो गई है भारतीय टीम से जो मैच लास्ट वाला नहीं जीते, मेरे को उस टेस्ट मैच का बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि 208 रन अगर इतनी बड़ी टीम है तो आप कर सकते हैं, पर अब जो है ये जो अगर गलतियों से जो बात कर रहे हैं, आप जिक्र कर रहे हैं हम नहीं जीते, हाँ अब क्या नहीं सीखे, क्या सीखना चाहिए था, इस पे हम एक खबर दिखाते हैं। पहले दूसरे टेस्ट का काउंटडाउन शुरू हो गया है मगर प्लेइंग 11 को लेकर टीम इंडिया में मंथन जारी है। कप्तानी संभालने के बाद विराट पहली बार टीम को लेकर इतनी माथापच्ची कर रहे हैं, टीम में बदलाव तो तय है मगर कितने और कौन, ये अब सवाल बना हुआ है। सेंचुरियन में किसे खिलाएं किसे न खिलाएं? मैं 5 गेंदबाजी खिलाऊंगा, अगर अजिंक्य रहाणे को खिलाना है तो रोहित शर्मा को ड्रॉप करना पड़ेगा। आपकी 11 क्या होगी? देखिए मैं चाहूंगा कि एक हम जो अगर टीम हमने खेली है अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो शायद रिद्धिमान साहा की जगह पर मैं पार्थिव पटेल को लाऊंगा और उनसे ओपन करवाऊंगा, और शिखर धवन की जगह पर मैं अजिंक्य रहाणे को मिडल ओवर दूंगा। सर अब एक 2-3 सवाल है। ग्राम स्मिथ का एक स्टेटमेंट आया अभी कि यहां पर और ग्राम स्मिथ से बेहतर तो कोई नहीं बता सकता अगर बात की जाए उस कंडीशन की। अजिंक्य रहाणे उनके कोच वो बोल चुके हैं, अजिंक्य रहाणे एक तरफ, केएल राहुल एक तरफ, दूसरी तरफ आपके सामने रोहित शर्मा और शिखर धवन, आपको लगता है ये सबसे बड़े चेंजेस होने वाले हैं? नहीं देखिए, चेंजेस तो इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, चेंजेस ज़रूर होंगी, अजिंक्य रहाणे को चांसेस आए खेलने के ज़्यादा, पर अब कन्फ्यूज़न क्या है, कन्फ्यूज़न ये है कि किस बॉलर को ड्रॉप किया जाए तभी आप 6 बैट्समैन खिलाए जाएँ, तब ये थोड़ा सा बॉलर अगर ड्रॉप करते हैं तो 20 विकेट भी आपने लेने हैं, और क्या है कि ऊपर अगर शिखर धवन को ड्रॉप दे केएल राहुल को आप खिला सकते हैं, एक विकल्प अभी हरभजन ने भी बात की थी कि पार्थिव पटेल को ऊपर खिला के अजिंक्य रहाणे को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, खिला सकते हैं, तो ये जो 3-4 विकल्प हैं इनके पास, क्योंकि आप देखना है भी इनको कि थोड़ी सी बैटिंग, क्योंकि फेल तो बैटिंग हुई है। पार्थिव पटेल का एक क्विकली रिएक्शन लूंगा मैं, पार्थिव पटेल अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन हो सकते हैं लेकिन उस कंडीशन में हमें एक स्पेशलाइज बैट्समैन जो चाहिए वो पार्थिव पटेल आपको लगता है? नहीं देखिए, वो करता तो ओपन ही है, उसने इंग्लैंड के खिलाफ भी ओपन की थी, उन्होंने रन भी बनाए थे, और कीपर तो है अच्छे, बट ये डिपेंड करता कि वो कितने कैसे, ये कंडीशन तो डिफरेंट है, ये मैं इतनी जोर से नहीं कह सकता कि हाँ जी वो जाएंगे और रन बना लेंगे, मैं अजिंक्य रहाणे के बारे में कह सकता हूँ क्योंकि वो टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड है, काबिले तारीफ है आपका बड़ापन। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज का एजेंडा क्या है, ब्रेक पर जाने से पहले जरूर देखें, हमारे आपके साथ 2-2 अपॉइंटमेंट फिक्स हैं आज, ये है सेंचुरियन के 11 लड़के कौन, 8 बजे स्पोर्ट्स तक यूट्यूब पर जरूर देखें आप। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है, और आज राहुल द्रविड़ का जन्मदिन भी है, इस पिच पर आपके हिसाब से, क्योंकि पिटे तो हमारे बल्लेबाज भी हैं। जी मैं तो पहले क्या, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कौन ऐसा होगा जो राहुल द्रविड़ वाला रोल प्ले करेगा? कौन रोल प्ले करेगा राहुल द्रविड़ का? मैं, मेरे को नहीं लगता कोई रोल राहुल द्रविड़ का कोई रोल प्ले कर सकता है। आप हमें बहुत निराश कर रहे हैं भाई, लेकिन नहीं देखिए, आपने एक लेजेंड की बात कर दी है और जिसने हर जगह पे सेंचुरियां बनाई हैं हर कंट्री के, आरसी के आपको बता दें कि आज 8 बजे हमारा एजेंडा आप जरूर देखें यूट्यूब पर, और ये है स्पोर्ट्स तक में,
सेंचुरियन के 11 लड़ाके कौन? लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या, हमने बात की राहुल द्रविड़ की, और राहुल द्रविड़ का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे राहुल, हमारी खास पेशकश इस पर।